नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूहा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 15 अगस्त के खास मौके पर बहुत ही खास तरीके से आज हम 3 रंगों का ढोकला तैयार करने जा रहे हैं, जो बहुत ही स्पंजी और मुलायम बनती है। ढोकला बनाने के लिए हमें चाहिए दही, सूजी, सरसों के दाने, हरी मिर्च, कढ़ी पत्ते, नमक, पिसी हुई चीनी, साथ ही हमें चाहिए फूड कलर और इनो। दही में हमने हरी मिर्च डाल के पीस लिया है। अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 2 कप दही में 3 कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस दही और सूजी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सूजी और दही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे और गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और चलाते हुए गाढ़ा पेस्ट तैयार करेंगे। हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीका गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लिया है। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए सूजी को फूलने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुका है और हमारा सूजी भी अच्छे तरीके से फूल के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के सामान डाल लेंगे। 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालें। 1 चम्मच पीसी हुई चीनी। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब हम बैटर को 3 अलग अलग कटोरी में डाल लेंगे। अब हम इस बैटर में फूड कलर ऐड करेंगे। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब एक बैटर में हम ऑरेंज कलर डाल के मिक्स करेंगे। और इसी तरीके से इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब पूरा बैटर बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढोकले के सांचे में डाल के पका लेंगे। अब हम ढोकले के सांचे में अच्छी तरीके से तेल लगा लेंगे। अब हम ढोकले के सांचे में पानी डालेंगे। मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। अब हम पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। सबसे पहले हम वाइट ढोकला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने ढोकला के बैटर को बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इनो डालने के बाद, क्योंकि हमारा बैटर है वो फूलता है। अब हम इसमें 1 चम्मच इनो डाल लेंगे, 1 चम्मच पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, बिल्कुल सिर्फ बबल्स के आने तक ही हमें बैटर को मिक्स करना है। अब हमारे बैटर तैयार हो चुका है। अब हम जल्दी से इसे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इनो तुरंत डालने के बाद अब बैटर को तुरंत बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें और तुरंत पकने के लिए डाल दें। अब हम ढोकला के बैटर को पकने के लिए डालेंगे ढोकला के सांचा में, और इसे ढकने के बाद हम 15 मिनट के लिए पका लेंगे। ढोकला को लगातार हाई फ्लेम में पकते हुए 15 मिनट हो चुका है। अब चलिए अब हम चेक कर लेते हैं ढोकला हमारा अच्छे से बनने के लिए। इस तरीके से हम चाकू डाल के इसे चेक करेंगे। हमारा चाकू बिल्कुल ही क्लीन आया है। हमारा ढोकला है पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारा ढोकला बहुत ही अच्छे तरीके से फूला हुआ बना है। अब हम इस ढोकले को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद निकालेंगे। अब हम बाकी के बैटर का भी ढोकला तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम ढोकला को निकाल लेते हैं। चाकू की सहायता से इस तरीके से साइड से छुड़ा लेंगे और अब हम ढोकला को निकालेंगे। इस तरीके से टैप कर लेंगे ऊपर से। अब हम ढोकला को निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही स्पंजी मुलायम ढोकला तैयार हुआ है। अब हम बाकी के ढोकला तैयार कर लेंगे। अब हमारा कलरफुल ढोकला बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। चलिए अब हम ढोकला को तड़का लगाएंगे। हमने गैस ऑन कर लिया है। अब हम इस बर्तन में 2 छोटे चम्मच तेल डाल लेंगे और इसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे। राई के थोड़े से दाने डालेंगे, लंबे स्लाइस में कटे हुए हरे मिर्च डालेंगे, और फिर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे।
अब हमने गैस बंद कर लिया है। चलिए अब तड़का लगाते हैं। अब हम इस मिश्रण को ऊपर से इस तरीके से डालते जाएंगे, थोड़े थोड़े करके। अब हमारा 15 अगस्त का खास ढोकला बन के तैयार हो चुका है। आप भी इसी तरीके से ढोकला बनाइए और आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइए कि आपको यह ढोकला कैसे लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।